लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, क्या आप सच में मेंटल हॉस्पिटल जा रहे हैं? आप वहां नौकरी करते हैं क्या, या फिर अपना इलाज कराने जा रहे हैं? बताइए ना सर। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, वैसे आपको देख के तो नहीं लगता कि आपको इलाज की जरूरत है। कहीं आप डॉक्टर तो नहीं है जो वहां चेकिंग के लिए जा रहे हैं? खैर जो भी हो सर, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा, वो जगह बहुत अच्छी नहीं है। वो शैतान का किला है। जल्दी नहीं आ रहा है। भगवान बचाए, इसकी खटारा गाड़ी के भरोसे रहना पड़ता है। आ गया लल्लू लाड। क्या कर रहा है? दिखता नहीं है क्या? कहाँ रह गया था यार, तुझे टाइम की वैल्यू ही नहीं है। ठंड से मेरे पांव जम गए, कब से खड़ा हुआ था मैं वहां पर। अरे आने में तो वक्त लगता है ना। इतना वक्त कैसे लग गया, मेरे बारे में भी तो सोचता। एक हफ्ते के पेपर है क्या? 5 दिन का पेपर है। अगर ये सिर्फ 5 दिन के हैं तो फिर ये ले। कौन पढ़ने वाला है? अपना सुट्टा मार और निकल ले। सर, सर, आपकी मंजिल आ गई, यहाँ उतर जाइए सर। वो देखिए, वो आदमी भी उसी जगह पे जा रहा है, उसी के साथ चले जाओ। मुझे सीधा जाना है। उतरिए सर। पता नहीं इसके भाग्य में क्या लिखा है।
चलो 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 रे साथी चलते। सुनो भाई। कौन हो भाई? यहाँ से गाड़ी नहीं जाती है क्या? इस रास्ते से दिख नहीं रहा ये कैसा रास्ता है, यहाँ कौन गाड़ी लेके आएगा? यहाँ तो बस एक ही चीज है और वो है मेंटल हॉस्पिटल। वहाँ तक गाड़ी तो पहुँचती है लेकिन बहुत घूम कर जाना होता है, और ये तो शॉर्टकट है, रास्ते में नदी भी पड़ती है। अरे राम। नदी के पार एक पहाड़ी पड़ती है और उसे पार करने के बाद एक और पहाड़ी आती है और उसके बाद आप पहुंच जाते हो। आ जाओ वहां पहुंचने में बस एक ही दिक्कत है, एक बार वहां पहुंच गए तो वहां चाहे आप मर भी जाओ किसी को पता ही नहीं चलने वाला है। डर गए ना? करो मत, मेरे साथ आ जाओ, चलते रहो। यहाँ जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो एक पुराने राजा का था, लेकिन उस फ्रॉड डॉक्टर ने सारा का सारा अपने नाम करवा लिया। वो क्या इतना बुरा है? और क्या, वहाँ जो भी लोग लाए जाते हैं बहुत अच्छे घरों से होते हैं, और उनका ख्याल रखने के लिए खतरनाक डॉक्टर और उसके साथी, पता नहीं क्या क्या होता है वहाँ पर, बाकी तुम खुद ही देख लेना। अरे भाई, अकेला मैं ही हूँ जिसे बाहर की दुनिया देखने को मिलती है, और वो भी हफ्ते में सिर्फ एक बार। मैं अकेला इन जगहों से ये सारा तामझाम लेके गुजरता हूँ, और उन लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त करना ही मेरा काम है, यही लिखा है मेरे भाग्य में। ये काम करने की तनख्वाह तो तुम्हें अच्छी मिलती होगी। हाँ मिलती है, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, ऐसी मिलती है कि सीधे पेट पर लात पड़ती है। अरे रे रे, क्या बताऊं भाई, मेरी तो उस डॉक्टर की हिंदी गालियां सुन सुन के पेट भर जाता है। और जो गालियां अंग्रेजी में देते हैं वो ऊपर से निकल जाती है। आओ संभल के, कहीं फिसल मत जाना। अरे सर, मैं तो पूछना ही भूल गया, आप इस तरफ कहाँ जा रहे हो? जहाँ ये रास्ता जाता है। हैं? मतलब तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? मेडिकल कॉलेज से आया हूँ, यहाँ के विकास से जुड़ी सरकार ने जानकारी के लिए भेजा है। क्या नाम बताया तुमने अपना? एंथोनी। अरे बाप रे बाप। अच्छा एंथोनी। हाँ बोलिए। यहाँ इलाज की सुविधाओं के बारे में जरा बताओगे? इलाज की सुविधाएं तो बहुत अच्छी है सर। अच्छा, इसीलिए यहाँ के मरीज अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं और उसके बाद उनकी अस्थियों का भी पता नहीं चलता है। खैर जो भी हो, अच्छा हुआ कि तुम मुझे पहले ही मिल गए, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एंथनी, सी सर
करूं क्या करूं, वादियां ये गाए सुन मीठी सी सरगम, धुन है प्यार की है ये चटिले चटिले है ये लगन लगी रे यदि फिर ना मुश्किल है ये निडर निडर है वो डर है उसे ना कोई सीमा पे है लड़ता वो फिकर उसे ना कोई वो है आवारा हवा रोके से वो ना रुका आंधी सिद्धी है वही चला तो सपने उड़ा है आ किसीने में और लक्ष्य है आंखों में रब का अकेला ही वो बंदा है लाखों में सीना पहाड़ों का भी वो चीर आगे बढ़े अपने उसूलों की ही खातिर सदा वो लड़े आंखों में आंखें डाले मुश्किल हजारों ऐसी पीछे हट जाए सुन के दहाड़ है शेरों जैसी प्यार का करम बेटी जरा मेरे पास तो आना, कितने समय से तुम्हें नहीं देखा। पता है कल रात मैंने तुम्हें सपने में देखा। आखिर तुम इस लॉकअप में क्यों बंद हो? तुमने किसे मारा था? यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनों की नजर से बच के आना पड़ा है। जरा पास तो आओ बेटी, तुम्हें ये चंदन लगा दूँ। आ, 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 आ,